नमस्कार बच्चों, आप सभी का एडु मंत्रा में स्वागत है। मैं सोनी मिश्रा आपके सामने आज कक्षा नवी के स्पर्श बुक की कहानी लेके आई हूँ, व्यंगात्मक कहानी लेके आई हूँ, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, गेस्ट। अतिथि देवो भव, यानी हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कारों में हमें ये सिखाया गया है कि अतिथि किसके समान होते हैं? देवता के समान होते हैं। तो आज मैं जो कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, इस कहानी में किस तरह से अतिथि को देवता माना गया है और वो अतिथि किस तरह से अपने, जो ये कहावत है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का ये जो कहावत हमारे, हमको सिखाया जाता है, ये देवता जी कितना दिन तक हमें देव के रूप में मिलते हैं, अभी हम इस कहानी में आगे देख के पता करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन सरद जोशी जी की कहानी, तुम कब जाओगे अतिथि। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, ये जो हमारे लेखक है सरद जोशी जी, महान कवियों में, महान लेखकों में से माने जाते हैं, और इन्होंने क्या किया है, इसी को अपना आजीविका बना लिया था। यानी जो उनकी लेखनी थी, उनका जो जो उन्होंने कहानी लिखा है, व्यंगात्मक कहानी को अपनी आजीविका बना लिया था। तो इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं बच्चों की। सरद जोशी हिंदी जगत के प्रमुख व्यंगकार सरद जोशी का जन्म, तो ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है व्यंगकार, यानी उनकी कहानी कैसी होती थी, व्यंगात्मक कहानी होती, तो व्यंग करते थे लोगों पर, समाज में उन बुराइयों के ऊपर उन्होंने अपनी कहानियों में क्या किया है, व्यंग किया है। इसलिए इनको व्यंगात्मक व्यंगकार सरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, तो ध्यान दीजिए बच्चे उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उज्जैन शहर में हुआ था 21 में, यानी 21 मई 1931 को हुआ। और इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने व्यंगात्मक कहानी लिखी है। ये कुछ लंबे समय तक इन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्या किया, अपने लेखकी लेखनी को ही क्या बना लिया, अपनी जीविका बना लिया, आजीविका के रूप में अपना लिया। लेखन परिचय में आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह से उन्होंने व्यंग लेखन करने लगे। शुरू शुरू में उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, व्यंगात्मक लेखन ही करना आरंभ कर दिया। यानी आज की जो कहानी है बच्चों, आज की कहानी क्या है, व्यंगात्मक कहानी है, लेकिन किस पर व्यंग किया गया, यानी हमारे देवता समान अतिथि, किस तरह से अतिथि हमें इतनी परेशानी दे देते हैं सरद जोशी जी को कि उन्होंने उनके ऊपर व्यंगात्मक कहानी लिख डाली। तो चलिए लेट्स बिगिन करते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है और किस तरह से हमारे अतिथि जो है, हमारे जो देवता है सरद जी को, सरद जोशी जी को परेशान कर रहे। तो यहाँ पे छोटा सा परिचय और भी लेके आई जो आपको बुक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे, इनके जन्म के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने जीप पर सवार, इल्लियां, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। यानी ये जो कहा, ये इन्होंने जो लेखनी किया है, ये क्या है, व्यंगात्मक कहानी है, व्यंग कहानियां इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, और इसी को उन्होंने क्या बना लिया, अपनी आजीविका बना लिया। यानी जीविका का मतलब होता है जीवन जीने का जो साधन है। सरकारी नौकरी हम क्यों करते हैं, कि हमारा जीवन क्या हो, हमारे आजीविका को साधन होता है। तो यहाँ पे उन्होंने लेखनी को ही अपनी आजीविका बना लिया है। तुम कब जाओगे अतिथि, यानी ये जो सवाल उनके, ये पढ़ने के बाद, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आता, तुम कब जाओगे अतिथि, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी जो अतिथि है, जो मेहमान यहाँ पे आते हैं, उनके जाने का कोई समय ही निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे कुछ आपकी किताब की जो थोड़ी थोड़ी जो मेन मेन बातें हैं, जो जो मेन मेन वाक्य लिखे गए हैं, उसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ इस बुक के माध्यम से। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए बच्चों, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा था, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी मेहमान को आने के बाद, यहाँ पे मेहमान का कौन सा दिन यहाँ पे वर्णन किया गया, चौथे दिन के बारे में बताया गया है, चौथा दिन हो जाता है, और सरद जोशी जी के मन में ये सवाल उठता है कि तुम कब जाओगे अतिथि, यानी हे मेहमान, तुम कब जाने वाले हो, अतिथि देवो भव, आप कब जाने वाले हो, आपकी देवता के समान हमने पूजा की आपकी, जैसे ही आपका आगमन हमारे घर में होता है, मेरा बटुआ जो है कांप उठता है। तो बटुआ कांप कब उठता है, जब हमारी जो परिस्थिति होती है, हम बहुत अच्छे, मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं होता, लेकिन फिर भी धन दौलत होने के बावजूद भी लोग क्या करते, अतिथि को अतिथि के समान ही रहना चाहिए,
घर के अगर सदस्य बन जाएंगे, घर के सदस्य जैसा हमें हमारे साथ प्रतिदिन रहने लगेंगे, तो उनका अतिथि जो नाम रखा जाता है, मेहमान और देवता के रूप में उनको जब चित्रित करते हैं या उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उनका जो है मूल्य खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे चौथा दिन आ जाता है। चौथे दिन आकर यहाँ चौथे दिन पे शरद जोशी जी क्या करते बताते कि आज जो है चौथा दिन हो गया मेहमान अतिथि आपके आने का, तुम कब जाओगे। उनके मन में बार बार ये सवाल उठता है कि तुम कब जाओगे। तो पहले दिन की घटना से शुरू करते हैं कहानी। तो पहले दिन की घटना मैं अभी आपके सामने लेके आई हूँ। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में होती थी, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर के रूप में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि दो सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। यानी जब पहला दिन रहता है, जिस दिन अतिथि आते हैं, अतिथि दरवाजा खोलते ही जब ये लोग, उनका आगमन होता है अतिथि का, तो इनकी जो बटुआ है, इनका बटुआ कांप क्यों उठता है, क्योंकि ये गरीब परिवार से सामान्य वर्ग के लोग थे। सामान्य वर्ग के लोग अगर मेहमानों के, और हमारे बेटा संस्कारों में, हमारे बच्चों संस्कारों में ये बताया कि जब भी कोई मेहमान हमारे घर में आता है, उन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं और उनको उतना ही मान सम्मान देते हैं। तो यहाँ पे शरद जी जोशी जी, देखिए आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं किस तरह से भाव भगत किया जा रहा है उनकी पत्नी, और वो नमस्ते करके उनको अंदर बुलाती है, उनको अंदर लेती है। उनका बटुआ कांप उड़ता है, उनका जो पर्स है, उनके जो मनी है, उनका जो मनी पॉकेट है, वो कांप उड़ता है। कांप क्यों उड़ता है, क्योंकि वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके पास बहुत सारे धन दौलत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या करते हो, दो सब्जियां बनाते हैं, उनके भाव भगत में कोई भी कमी नहीं रहती, एक मीठा भी बनाते हैं। पहले दिन का जो बताते हैं कि हम जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग का जो डिनर था हमारा, जो डेली का हमारा प्रतिदिन का जो हम जिस तरह से भोजन करते थे, हमने उस भोजन को, उस रात के भोजन को हमने क्या किया, उच्च वर्ग के डिनर के रूप में परिवर्तित कर दिया। उच्च वर्ग के डिनर का तात्पर्य यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा जो प्रतिदिन का जो भोजन का, जिस तरह से हम सामान्य भोजन करते थे, उसको हमने और अच्छा करने की कोशिश की। जैसे उच्च वर्ग के लोग, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, ज्यादा धन दौलत होते हैं, जैसे वो भोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के बहुत सारे व्यंजन खाते हैं। तो यहाँ पे वही चीजें बताई गई कि शरद जोशी ने दो सब्जियां बनवाई, रायता बनवाया, उसके बाद उन्होंने एक मीठा भी बनवाया था, खाने में उनको मीठा भी दिया था। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव। पहले दिन के बारे में ये बताया गया। दूसरे दिन के बारे में, दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में तुम ले चले आओगे। अब हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, पर तुम नहीं मानोगे। अब दूसरे दिन हर व्यक्ति जब मेहमान हमारे घर में आता है, सामान्य वर्ग के लोगों की क्या प्रेरणा होती है, क्या वो सोचते हैं, उनकी जो सोचने की क्षमता होती है क्या होती है। जब मेहमान हमारे घर में आते, तो हम सोचते हैं कि पहले दिन वो रुकेंगे, दूसरे दिन वो जाने के लिए आग्रह करेंगे। तो यहाँ पे शरद जोशी जी भी वही बताना चाहते हैं बच्चों की, दूसरे दिन मैं ये सोच के रखा था कि तुम जाने के लिए आग्रह करोगे, और न चाहते हुए भी मैं दिल से तो नहीं चाहूंगा कि तुम रुको, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रुकने के लिए क्या करूंगा, निवेदन करूंगा, और एक अच्छे अतिथि का तरह चले जाओगे। मैं आग्रह करूंगा कि थोड़े दिन आप और रुक लीजिए, लेकिन आप रुकोगे नहीं बल्कि चले जाओगे। एक जो अच्छा अतिथि होता है, जो एक अच्छा मेहमान होता है, दूसरों के घर में समस्या नहीं देना चाहता है, वो एक दिन मेहमान बन के आता है और दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तुम चले जाओगे, पर तुम ऐसा नहीं किए। तुम दूसरे दिन भी हल्की सी मुस्कान लेके, अतिथि सुलभ मुस्कान लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बना रहा, अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, हमने अपनी पीड़ा पी ली, प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। यानी शरद जोशी जी ना चाहते हुए भी, उनको अच्छा तो नहीं लगता है, उनकी पत्नी और उन्हें दोनों जन को ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है कि अतिथि दूसरे दिन भी रुके, लेकिन वो हल्की सी मुस्कान दिखा रहे, क्योंकि हम अतिथि को कुछ बोल नहीं पाते और ना उनको जाने के लिए भी नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हल्की सी मुस्कान लिए अपने चेहरे पे, लेकिन जो अतिथि का जो मान सम्मान था, यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होने पे भी वो किसी तरह से भी अतिथि है, तो इनको लेकर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, और रात्रि में तुम्हें सिनेमा दिखाया।
हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर था जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत भाव भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए मैं जाता। दूसरे दिन भी उनके सेवा भगत में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं शरद जोशी जी। उनको सिनेमा दिखाते हैं, उनकी भावभक्ति करते और कहते कि ये हमारी छोर है, ये हमारे स्वागत का जो लास्ट स्टेज होता है, जो छोर होता है, वहां पे हम पहुंच गए। इसके बाद हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, ये हमारा क्या है, अंतिम दिन है हमारे सेवा भगत का। लेकिन फिर भी अतिथि क्या करते हैं, जाना नहीं चाहते। यहाँ पे अतिथि आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। तीसरे दिन सुबह उन्होंने कहा कि तीसरे दिन जो अतिथि है उन कपड़ा धुलने के लिए धोबी को बोलते हैं कि कपड़े धोबी को दिया जाए। जब धोबी को कपड़े देने के लिए कहते हैं तो उनके घर में जो उनकी पत्नी है बहुत क्रोध करती है कि कब जाएंगे अतिथि, इतने दिन नहीं रहते, कोई भी मेहमान इतना दिन नहीं रहना चाहता है। तो तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझे कहा मैं धोबी के कपड़े को देना चाहता हूँ। यह आघात, आघात, आघात का मतलब होता है तकलीफ देना, हर्ट करना, अप्रत्याशित, और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यो रबर की तरह खिंच गई। बेला का मतलब होता है समय, लगा एकाएक रबर की तरह खिंच गई। इसका मुझे अनुमान था, पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जब उन्होंने अपने कपड़े धोबी को देने के लिए कहा तब इनको शरद जोशी जी को समझ में आ गया जिस तरह से रबड़ तनता रहता है यहाँ पे अतिथि भी क्या हो गए हैं, पूरी तरह से तनते जा रहे हैं, क्योंकि युकायुग रबर की तरह खिंच जाएगा। उनका क्या अतिथि नहीं बल्कि उनका जो बेला है, बेला का मतलब यहाँ पे बताया गया समय, उनके रुकने की जो अवधि है, उनका जो समय है, समय क्या कर रहे हैं, उनका खिंचता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, यानी अतिथि जो होता है, मेहमान, सभी मेहमान हमेशा देवता नहीं होते हैं। देवता वही माने जाते हैं जो ज्यादा दिन हमारे घर में ना रुके, अतिथि के रूप में और अतिथि के रूप में चले जाए, फिर यहाँ पे किसी लाउंड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाके। मैंने कहा मन ही मन विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, कहाँ है लाउंड्री, चले चलते, मैंने कहा और अपनी सहज विनिमय और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। जब शरद जोशी जी कपड़े देने के लिए धोबी के पास जा रहे थे तभी उनकी पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो शरद जोशी जी क्या कहते हैं, इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मैंने कहा मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी की बड़ी होगी, आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देखा मैंने अपनी अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी पत्नी इतना क्रोध करती है, इतना गुस्सा करती है शरद जोशी जी के ऊपर, आंखें खोल कर, आंखें खोलना मतलब शरद जोशी जी कहते हैं कि इतना क्रोध उन्होंने बहुत पहले मेरे ऊपर किया था जैसा कि उनकी आंखें आज हमारे सामने दिख रही है। अब यही मन, आंख बड़ी होती तो मन छोटी होने लगती, इसे मुझे आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। अब यहाँ पे शरद जोशी जी और पत्नी उनकी दोनों जन डर जाते हैं कि अतिथि यहाँ पे बहुत दिन रुकने वाले हैं और जाने का कोई भी नाम नहीं ले रहे, किसी दिन भी जाने की आशंका नहीं जता रहे। तुम कब जाओगे अतिथि, बार बार यही प्रश्न आता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। पत्नी भी क्रोधित हो जाती है, आंखें दिखाने लगती है अपने पति अर्थात शरद जोशी जी के ऊपर की जो अतिथि आया है, जिसको हमने इतना भाव भगत किया, मान सम्मान दिया, उनकी पूजा की देवता के समान, उनको मैंने उनकी सेवा भक्ति की, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। तो हर मेहमान, हर अतिथि देव नहीं होता है, यहाँ पे उनके मन में ये मानसिकता बैठ जाती है, उनकी अवधारणा की आ जाती है। और आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रही हो, लॉन्ड्री पर दिए गए धुलकर कपड़े भी आ गए और तुम यही हो, तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे बड़ी चादर बदल चुकी गई है, तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के, ठहाके के रंगीन गुब्बारे का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है बच्चों कि जब अतिथि आए थे उस दिन शरद जोशी और उनकी पत्नी ने उनके साथ बहुत सारी बातें की, खूब जोर जोर से वो लोग हंसे, एक दूसरे की बातों को सुने समझे और बातों को बढ़ाया, ठहाके लगाए, अब उनकी चेहरे पे मुस्कान भी नहीं बची है। जब मेहमान ज्यादा देर दिन तक रुकने लगते हैं तो शरद जोशी और उनकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान भी नहीं बची है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं होता है जो बात अतिथि से ना किया गया हो। शरद जोशी और उनकी पत्नी ने उनसे जितने भी रिलेटेड, जितने भी संबंधित, जो जो क्षेत्र थे, जो जो एरिया थे, सभी एरिया से रिलेटेड उन्होंने बात कर ली। अभी ऐसी कोई भी बात नहीं बची हुई थी जिसको वो अतिथि के सामने प्रस्तुत कर सके। अभी उनकी मुस्कान भी उनके चेहरे से चली गई है,
क्यों चली गई? क्योंकि अतिथि का भाव भगत एक या दो दिन से ज्यादा नहीं हो कर सकते। अतिथि का नाम ही होता है कि ज्यादा अगर घर के सदस्य बन जाएंगे तो घर के सदस्यों की तो भाव भंगिमा होती नहीं है, उनका आदर सत्कार उतना ही किया जाता है जैसे घर में रहने वाले सभी सदस्य, वो क्या होती है हमारी दैनिक दिनचर्या हो जाती है। और यहाँ पे अतिथि अभी चार दिन हो गए, चार दिन जाने हो चुके हैं, लॉन्ड्री से कपड़े भी धुल कर आ गए, लेकिन और वहां पे बताई इसने बहुत अच्छी बात ये बताएगी कि जो फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अवलुप्त हो गई, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते, बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी। मतलब हर जगह की बातें करने के बाद हम फिर से आ गए अपने घर के अंदर। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि हर क्षेत्र से रिलेटेड जो भी क्षेत्र था हमारे जीवन से संबंधित, जहां जो भी एरिया था हमने सभी से बात कर लिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, जितनी भी बातें थी मैंने क्या कर लिया आपसे कर लिया। और कौन कौन सी बातें, देखिए बच्चे नौकरी परिवार, परिवार बच्चे नौकरी, फिल्म राजनीति, रिश्तेदार तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में भी बात कर लिया। यानी किसी भी जगह किसी भी क्षेत्र को मैंने तुमसे छोड़ा नहीं, मैंने सारी जगह से बातें कर ली, लेकिन तुम्हारे जाने का समय निर्धारित नहीं हो रहा है। कौन कौन सी ये प्रमुख पॉइंट जो है आप लोग ध्यान दीजिए, परिवार बच्चे नौकरी फिल्म राजनीति रिश्तेदार तबादले पुराने दोस्त परिवार नियोजन और यहाँ तक कि पुरानी प्रेमी प्रेमिकाओं, यानी सरद जोशी जी और वो जो अतिथि आते हैं मेहमान आते हैं उनके बचपन उनकी जवानी की जो बातें हैं, जिस प्रेमी प्रेमिका के साथ उन्होंने मस्ती किया था, उनके जो चाहने वाले थे उनके बारे में भी बात उन दोनों आपस में कर लेते और फिर सारी बातें उनके पास अभी क्या हो जाती है खत्म हो जाती, कोई भी क्षेत्र ऐसा बचता नहीं है जहां से सरद जोशी जी उनसे बात करें। लेकिन ये अतिथि जाने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। अब सरद जोशी जी पूरी तरह से चुप बैठ चुके हैं, अब उनके पास कोई भी भावनाएं नहीं है, कोई अब सिर्फ कौन सी भावना जागृत हो रही, गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। यानी इस मेहमान की भाव भक्ति करने के बाद, सेवा आगमन होने के बाद अभी कौन सी बात रहेगी, कौन सी भावना अंदर से जागृत होती है, गालियों की भावना। यानी जब कोई ज्यादा हमें परेशान करता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, गलत शब्द निकलते हैं, गाली निकलते हैं। यहाँ पे मेहमान अपने शब्दों से नहीं, वहां पे रुक कर मेहमान की जो समय निर्धारित होता है, जो समय सारिणी होती है, उस सीमा को उन्होंने लांघ लिया। लांघने के बाद अभी कैसी भावना सरद जोशी के अंदर जागृत हो रही थी, गालियों की भावना जागृत हो रही है। पर तुम जा नहीं रहे हो, किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, बार बार यह प्रश्न उठ रहा है तुम कब जाओगी अतिथि। यानी तुम कैसी सोच रखने वाले व्यक्ति हो, तुम कहाँ से आए हो और मैं तुमको क्या, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचा है, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, कब तुम्हारे, मेरे मन बार बार यही प्रश्न कर रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, ये मेहमान तुम कब जाओगे। कल पत्नी ने धीरे से पूछा कब तक टिकेंगे ये, मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्का रहेगा बनाओ। यानी जो भाव भक्ति जो उच्च डिनर बनाया गया, लंच बनाया गया, आज वो किसमें परिवर्तित हो गया, खिचड़ी के रूप में। यानी अभी पत्नी कहती है कि अब मैं तो खिचड़ी बना रही हूँ, उनको खाना है तो खाएं या ना खाएं, तो पति भी क्या कहते, सरद जोशी जी कहते हैं हाँ ठीक है हल्का रहेगा, हल्का भोजन है, इसको तुम बना दो सभी लोग खाएंगे। लेकिन सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, सत्कार जो सेवा सत्कार थी उसका समय क्या हो गया, उसकी जो उष्मा थी, उसका जो तापमान था, उसकी जो गर्मी थी, अपने आप वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और आके कहाँ पे टिक गई है, खिचड़ी पे टिक गई है। चौथे दिन में क्या हो रहा है, अब अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करेंगे तो हमें उपवास तक जाना होगा, तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता है, अपने के घर की महत्ता के गीत इस कारण गाए गए हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। यानी हम हमारे घर को क्या बोलते हैं, स्वीट होम बोलते हैं। स्वीट होम क्यों बोलते हैं बच्चों,
स्वीट होम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि घर में हम सभी लोग मिलजुल के हर परिस्थिति का सामना कर, दुख हो चाहे सुख हो, घर में रहने वाला प्रत्येक सदस्य उस दौर से गुजरता है और हंसी खुशी रहता है, इसलिए उसे स्वीट होम बोला गया। दूसरों के घर जाकर मेहमान नवाजी करना सबको पसंद आता है। सरद जोशी जी यही कहते हैं कि अपने घर रहना सबसे अच्छी बात होती, दूसरों के घर तो सभी जाकर रहना पसंद करते क्योंकि वहां पे मेहमानों जैसा सत्कार मिलता है, सेवा भक्ति मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर की गरिमा को महत्व को भूल जाओ। घर में रहने का जो महत्व होता है, अपने घर को जो हम स्वीट होम बोलते हैं, उसकी महत्व को भूलना भी हमारे अंदर नहीं, ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सेवा भक्ति के लिए हम सेवा भाव भक्ति के लिए हम क्या करें, दूसरों के घर पे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। बार बार यही सवाल करते हुए सरद जोशी क्या कहते हैं, तुम कब जाओगे अतिथि, लेकिन अतिथि जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। प्रश्न यही आता है कि बार बार पूछने के बाद पूछ तो नहीं पाते हैं। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उस मेहमान से तो डायरेक्टली पूछ नहीं सकते कि हाँ तुम कब जाओगे, लेकिन उनके मन में उनका जो उनकी जो भावना है कहाँ तक आ गई है, गालियों तक आ जाती है बच्चों। लेकिन ये अतिथि जाने के लिए नाम नहीं लेते। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी पांच दिन, अतिथि का पांचवा दिन आ गया, वो खर्राटे मारकर सो रहे हैं और सरद जोशी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य को परिचित कराएगा। वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, यानी मेरी जो सहनशीलता है, सहने की जो शक्ति है, वो शक्ति अभी चरम सीमा पर आ चुकी है। पांचवा दिन आ गया है, वह अंतिम सुबह होगी, यानी ये लास्ट दिन होगा, अंतिम सुबह होगी मेरे लिए, जब मेरी जो चरम सीमा है सहन शक्ति की, कि तो अतिथि रुके उनकी सेवा भक्ति की जाए, वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, अंतिम सुबह होगी। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकता और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम चले जाओ। यानी देवता और भक्त, देवता और मनुष्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसका तात्पर्य ये होता है कि देवता अगर दर्शन देके चले ना जाए तो उनकी भी गरिमा, उनकी भी महत्व को खत्म हो, उनका भी महत्व खत्म हो जाता है। तो अतिथि देवता भय इसलिए कहा जाता है कि अतिथि का कार्य ये होना चाहिए कि वो जाए, दर्शन दे और चले जाए, थोड़े दिन नहीं। ऐसा नहीं कि चार या पांच छह दिन रुके, जब छह दिन वो रुकेंगे तो उनका जो महत्व होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि देवता और मनुष्य साथ में नहीं रह सकते हैं। वो यही कहते हैं सरद जोशी जी कि मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता देवता के साथ रह सकता है, मनुष्य मनुष्य के साथ रहता है, लेकिन देवता और मनुष्य ज्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते। अगर देवता और मनुष्य एक साथ रहने लगेंगे, देवता का महत्व अपने आप खत्म हो जाता है। और फिर सरद जोशी जी यही कहते हैं, तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारा देवत्व जो है वो सुरक्षित रहेगा, अगर नहीं तो आपका देवत्व खत्म हो जाएगा। वह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके बदले तुम चले जाए, यानी मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने मुंह से कहे, मैं आपको अपने मुंह से कहूं कि तुम मेरे घर से चले जाओ, ऐसा समय ना आए इसके पहले अतिथि आप चले जाइए। तुम कब जाओगे अतिथि, ये जो व्यंगात्मक कथा है बच्चों, इन्होंने व्यंग किया है उस अतिथि, उस मेहमान को जो दूसरे के घर में जाके रुकते हैं, काफी दिन, कई दिनों तक रुकते हैं और वहां पे सेवा भगत लेते हैं। सेवा जब लेंगे से आदर सम्मान पाना चाहते हैं तो उनको देवता के रूप में रहना चाहिए, बहुत कम दिन रुकना चाहिए और चले जाना चाहिए। नहीं तो फिर उनकी भी ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया गया है कि इस तरह से गाली तक भावना आ जाती है, ऐसी भावना जागृत हो जाएगी। तो आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको पूरा कहानी का सार अर्थ भी समझ में आ गया होगा और आप परीक्षा में जो भी प्रश्न इससे पूछे जाएंगे आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ अभी ये कहानी को खत्म करती हूँ और नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। और आपके लाइक, आपके कमेंट ही हमारे वीडियो का जरिया होगा, आप ये कभी भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।